नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं वो फूड सेफ्टी ऑफिस में है जो कि भर्ती आई हुई है। अब ये भर्ती आई हुई नहीं है, बहुत जल्दी आने वाली है। जो अखबार में विज्ञप्ति आई है उस हिसाब से हम इस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस भर्ती में आपको टोटल पोस्टें हैं जो कि 113 मिलेगी, जिसमें तीन प्रकार की पोस्टें मिलेगी, जिसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट है, फूड एनालिस्ट की पोस्ट है एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट की पोस्ट है। अब अगर हम बात करेंगे सैलरी की, तो इसमें 35,400 रुपये से 112,400 रुपये के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। इसमें अभी तक एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था, तो मेरे हिसाब से फ्री रहेगी। अगर आगे विज्ञप्ति में कुछ विशेषली बताया जाता है तो हम वीडियो बना के स्पेशली आपको बता देंगे। इसमें आप ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है, बट आपकी जॉब लोकेशन है जो कि मध्य प्रदेश रहेगी। आपकी उम्र सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है, तो आप इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अगर हम बात करेंगे इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास है जो कि ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब ग्रेजुएशन डिग्री है जो कि फूड से संबंधित किसी भी डिपार्टमेंट से है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब अगर हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें रिटन एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। इस भर्ती की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट अभी तक नहीं बताई गई है। अब आपको इनकी जो अखबार की विज्ञप्ति है वो मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको बता देता हूँ। तो किस प्रकार से नजर आएगी, तो इस प्रकार से नजर आएगी जो कि अभी आपको वीडियो में दिखाई दे रही है, जिसमें स्पेशली बताया गया है कि 110 फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती आने वाली है। ये प्रक्रिया मार्च से शुरू हो जाएगी। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को दिल से लाइक करिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में दिल से शेयर जरूर करिएगा।